हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित मिश्रा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेबेस यानी एरे क्लासेस। तो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम लोग एक डाटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग का एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग एरे से। तो बेसिकली एरे क्या होता है वो सब तो हम पहले बता चुके हैं, लेकिन आज फिर से हम डेफिनेशन से लेकर पूरा बताएंगे कि क्या क्या एरे क्या क्या होता है, एरे में हम क्या सब जानेंगे। तो एरे में आज हम जानेंगे वन डायमेंशनल एरे, टू डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो एक्चुअली ये गेट में किस तरह का क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं एरे बेस पे, तो एक्चुअली आपको पूछा जाएगा कि बेस एड्रेस दिया रहेगा, आपको फाइंड करना होगा कि इस लोकेशन पे आपका जो है सो एड्रेस क्या है मेमोरी का। बेसिकली इस सब टाइप का ही क्वेश्चन आपको गेट में फ्रेम किया जाता है। तो आज हम लोग इसी बेस पे जानेंगे कि कैसे हम लोग उस चीज़ का सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि एरे होता क्या है। तो एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। जैसे एरे हम लोग डिजाइन करते हैं तो इंटीजर, कैरेक्टर, जिस तरह का डेटा रहता है मेरे पास रिक्वायरमेंट रहता है उस तरह का हम एरे बनाते हैं। तो एरे जो है सो उस तरह का हम लोग डिजाइन कर लेंगे, तो फिर पहले डेटा टाइप डाल देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि जो भी एरे का आप जो एरे डिसाइड कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, वो आपको डेटा टाइप पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आप इंटीजर रख रहे हैं, कैरेक्टर रख रहे हैं, आप क्या कौन सा डेटा आपको रखना है उस एरे, और सिमिलर होना चाहिए। ये आपको डिफिनेशन में ही कहा गया, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ वेरिएबल, मतलब एक तरह का ये वेरिएबल कलेक्शन ऑफ वेरिएबल है हैविंग सिमिलर डेटा टाइप। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल एरे। तो वन डायमेंशनल क्या होता है? तो वन डायमेंशनल होता है, जैसे पहले हम डेटा टाइप डिफाइन किए इंटीजर, और एरे ए जो है एक्चुअली ये वेरिएबल नेम है वो एरे डिसाइड करता है, ठीक है। और ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, इस ब्रैकेट में हम जितना वैल्यू रखेंगे उतना मेरे पास उतना का एरे डिक्लेयर हो जाएगा। तो हमने उसमें 9 वैल्यू रखा, तो हम 9 वैल्यू रख सकते हैं उस एरे में। तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, 9 वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब फिर हम अब वो जो एरे में वैल्यू गया वो किस तरह से गया वो तो हमें विजिबल नहीं होता है, तो हम जानते हैं कि वो जाता कैसे। तो एक हमने एरे एक डब्बा बनाया जिसका बेस एड्रेस हम 1000 रखें, और इंटीजर टाइप का है तो हम एक्चुअली 2 बाइट से इंक्रीमेंट करवा देते हैं। तो 1000, 1002, 1004 ऐसे करके अप टू 1016 तक गया। और 0 बाय डिफॉल्ट एरे का जो होता है वो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है बाय डिफॉल्ट। अगर आप चाहें तो 1 रख सकते हैं, लेकिन 1 रखना सही नहीं होगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट 0 से काउंट होता है। तो आप भी 0 से ही रखें ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। तो 0 से एट गया, यानी 9 वैल्यू टोटल मेरा एरे में आ गया, ठीक है। तो वैल्यू मैंने डाल दिया है जो हमने रखा था यहाँ पे। फिर उसके बाद हमको फाइंड करना पड़ता है लोकेशन, कि कोई जो वैल्यू हमने डाला है उसका लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन क्या है। तो लोकेशन कैसे फाइंड करते हैं? तो लोकेशन में आपको दिया रहेगा कि इस का इस मतलब इस इंडेक्स का लोकेशन फाइंड करना है। तो आपको जैसे एरे दिया हुआ है 6, आपको देखना है कि यहाँ पे जैसे वैल्यू 70 है, 70 एरिया उसमें आपका एड्रेस है 1012, ठीक है। तो आप चलिए पहले हम फार्मूला क्या होता है 1D एरे का, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो वन डायमेंशनल एरे है। तो वन डायमेंशनल एरे में पहले होता है बेस एड्रेस, बेस एड्रेस यानी ये वाला क्या कहते हैं बेस एड्रेस। तो पहले हम बेस एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद वैल्यू ऑफ आई जो आपको यहाँ दिया रहे, ठीक है, वो आप उसका वैल्यू लिख लेना। जैसे यहाँ पे 6 है तो हम 6 ले ली। उसके बाद फिर माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ जे। अब इनिशियल वैल्यू क्या है? इनिशियल वैल्यू है 0, तो ये 0 रख लेना। अब फिर आपको एलिमेंट साइज, अब एलिमेंट का साइज 2 बाइट से इंक्रीमेंट हो रहा है तो वो 2 बाइट, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख लीजिए
1000 plus 6 minus 0 है तो इसलिए कि हमने 6 लिया और into 2 12 हो गया 1000 plus 12 equal to 1012 अब यहां आप देख लीजिए क्या आपका 6 इंडेक्स पे कितना एड्रेस है तो 1012 तो आप समझ में आ गया किस तरह का है अगला क्वेश्चन के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन दिखाएंगे कि आपको 1D array में कैसे आएगा हां तो एक क्वेश्चन हमने 1D array मतलब 1 डाइमेंशनल एरे का लिया है जो कि आप देख सकते हैं 1 डाइमेंशनल एरे क्वेश्चंस एक गिवन एरे आपके पास एक एरे दिया रहेगा जो ए से डिक्लेअर किया हुआ और इनिशियल एड्रेस इसका इनिशियल वैल्यू जो है 150 है मतलब 150 और 700 तक गया है ठीक है फाइंड द टोटल एलिमेंट्स इन एरे एरे में कितना एलिमेंट्स है वो आपको फाइंड करना है उसके बाद बेस एड्रेस आपको दिया हुआ है 1000 एंड साइज ऑफ एलिमेंट आपको दिया हुआ है 10 तो देन फाइंड ए 575 का एड्रेस आपको फाइंड करना है ठीक है तो हम पहले क्या करेंगे टोटल एलिमेंट एरे में कितना है वो हमको देखना है तो उसके लेके हम क्या करते हैं j माइनस i प्लस 1 तो j हो गया जो लास्ट एड्रेस है आपका ठीक है जो आपका लास्ट वैल्यू है और इनिशियल वैल्यू हो गया i तो j माइनस i प्लस 1 प्लस 1 इसलिए रखते हैं क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे का जो होता है वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है तो हम प्लस 1 करके लेके चलते हैं ठीक है तो फिर हम एरे में जो है आई जो वही चीज दिखाएं आपको ठीक है 7000 में माइनस 150 प्लस 1 किए तो 551 आया ठीक है ये आपका टोटल ये आपका आ गया कितना फाइंड द टोटल एलिमेंट्स ये हो गया आपका आपके पास एलिमेंट्स कितना है 551 ठीक है उसके बाद नेक्स्ट में जो आ रहा है वो क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि आपको इतना का एड्रेस बताना है 575 का एड्रेस क्या है ठीक है तो इस बेस एड्रेस प्लस आई माइनस इनिशियल आई इनटू साइज ऑफ एलिमेंट्स तो बेस एड्रेस 1000 है और 575 माइनस 150 इनटू 10 तो 1000 फॉर ये हो गया आपको 425 into 10 तो फिर 1000 plus 4250 equal to 5250 ठीक है ये आपका आगे आपका total ये array का ये जो है A 575 का address आ गया ठीक है अब हम आप लोग को एक segment में question दे रहे हैं जो कि आपको solve करके comment में डालना है ठीक है तो फिर क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको उसको कमेंट्स में जो जिसका आंसर यूनिक रहेगा और सही रहेगा फिर हम उसके उसका घोषणा करेंगे ठीक है हां तो क्वेश्चन आपका ये रहा एक गिवन एरे दिया हुआ है जो शुरू कितना से होता है -5000 से मतलब -500 से और जाता अप टू कितना है -25 यानी -25 तक तो फाइंड द टोटल एलिमेंट इन एरे आपके एरे में कितना एलिमेंट है वो फाइंड करना है उसके बाद फाइंड करना है बेस एड्रेस आपको दिया हुआ है 0 और बाय डिफॉल्ट कितना होता है 0 तो आप जान लीजिए ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ ठीक है तो इसे दिया हुआ है बाय डिफॉल्ट भी अगर है तो आपको 0 से काउंट करना है ठीक है एंड साइज एलिमेंट दिया हुआ है 5 ठीक है देन फाइंड करना है माय ए माइनस 150 का एड्रेस क्या है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके लिए सही में जरूरतमंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इजी गेट में जुड़े रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद थैंक यू